दोस्तों आयुर्वेद में आज मैं आपको दिखाऊंगा पुत्र प्राप्ति के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है दोस्तों, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वैसे तो दोस्तों लड़कियां लड़कों से किसी भी मामले में कम नहीं रहती। अगर लड़कियां आपके घर में पैदा हो रही हैं, आपके लड़कियां हैं, तो आप कभी भी निराश ना हो। सबको बराबर प्यार दुलार शिक्षा सबको देनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो लोग निराश रहते हैं, जिनके जिनके पुत्र नहीं होता है, घर में लड़कियां होती हैं, वो चाहते हैं कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा एक उपाय लिखा हुआ है जो मैं आज उनके साथ शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा उपाय है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मासिक धर्म के पश्चात, यहाँ पर लिखा हुआ देख लीजिए, मासिक धर्म के पश्चात शिवलिंगी के 5 बीजों से बढ़ाकर 11 बीज ठंडे पानी के साथ सेवन करने से गर्भ स्थिति होती है, अर्थात पुत्र ही उत्पन्न होता है, अनेक बार का परीक्षित है। बहुत ही अच्छा उपाय है दोस्तों। आप देख सकते हैं मासिक धर्म के पश्चात शिवलिंगी के बीज आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे, बहुत ही आसानी से उपलब्ध रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा उपाय है, आप देख सकते हैं। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, जिन लोगों को समस्या रहती है वो इसको आजमा सकते हैं, बहुत ही अच्छा उपाय है दोस्तों।